क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा माउंट कोरकोवाडो रियो डी जेनेरियो दक्षिण ब्राजील के शिखर पर ईसा मसीह की पुर्तगाली विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह 1931 में बनकर पूरा हुआ और यह प्रतिमा 98 फीट 30 मीटर लंबी खड़ी है। इसकी क्षैतिज रूप से फैली हुई भुजाएं 92 फुट 28 मीटर है। मूर्ति हजारों त्रिकोणीय सोपरस्टोन टाइलों के मोजेक में प्रबलित कंक्रीट की बनी हुई है। यह एक चौकोर पत्थर के आसन आधार पर स्थापित है जो 26 फीट 8 मीटर ऊंची है, जो खुद एक पहाड़ शिखर के ऊपर एक चबूतरे पर स्थित है। ये प्रतिमा दुनिया में सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली की मूर्ति है और रियो डी जेनेरियो के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले स्थलों में से एक है। 1850 के दशक में विंसेंटियन पुजारी पेड्रो मारिया बॉस ने इसाबेल का सम्मान करने के लिए माउंट कोरकोवाडो में एक ईसाई स्मारक को रखने का सुझाव दिया। हालांकि ब्राजील की राजकुमारी रीजेंट और सम्राट पेड्रो की दूसरी बेटी द्वारा इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। 1921 में रियो डी जेनेरियो के रोमन कैथोलिक समुदाय ने प्रस्ताव किया था कि 2310 फुट 704 मीटर शिखर सम्मेलन पर ईसा मसीह की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, जिससे इसकी ऊंचाई के कारण रियो में कहीं से भी इसे देखा जा सकेगा। नागरिकों के द्वारा राष्ट्रपति से अनुरोध करने पर एपिटेसियो पिसोआ ने पर्वत कोरकोवाडो पर मूर्ति के निर्माण करने की अनुमति दे दी। प्रतिमा 12 अक्टूबर 1931 को बनकर तैयार हो गई। वर्ष 1980 में समय समय पर इसे मरम्मत और पुनर्निर्मित कराया गया। क्राइस्ट द रिडीमर स्मारक का जीर्णोद्धार कार्य 1980 में पोप जॉन पॉल द्वितीय के आगमन से पहले पूरा किया गया। 2010 में एक बड़ी परियोजना में सतह को मरम्मत और नवीनीकृत किया गया था। प्रतिमा और इसके आसपास के अन्य कार्य 2003 में और 2010 की शुरुआत में पूरा किया गया।